फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के निटिंग क्रिएशन। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कार्डिगन का ये बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए 13 के मल्टीपल में फंदे लेके और 4 फंदे प्लस कर लेंगे तो हमारा ये डिजाइन सही से सेट हो जाएगा। इस डिजाइन को आप कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, अब हम इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिजाइन के लिए हम ये एक पोर्शन के फंदे डालेंगे, इतने पोर्शन के, और इसको बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप ऐसे ही सेट करते जाइएगा। देखिएगा, ये मैंने 13 के मल्टीपल में फंदे डाल के और 4 फंदे प्लस कर लिए हैं तो हमारा 17 फंदे बन गए हैं। अब हम अपने फंदों को डिजाइन के लिए सेट करेंगे। तो पहला फंदा ये एज स्टिच फंदा है, इसको बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे और ऐसे घुमा देंगे, एक जाली डल जाएगी और इस फंदे को स्लिप करेंगे, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और इसको भी स्लिप करेंगे, फिर वापस इसी सिलाई पर लेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, दो और तीन, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बीच में सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, दो तीन, फिर धागा पीछे करेंगे और ये दो फंदे हैं जो इन दो का एक कर देंगे ऐसे, सीधा फंदा बना देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे ऐसे। ये एच स्टिच फंदा है, इसको भी ऐसे ही धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बनाएंगे लास्ट के फंदे को। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारे ये फंदे ऐसे सेट हो गए। एक फंदा ये एच स्टिच है सीधा, फिर दो उल्टे, फिर एक जाली, फिर दो का एक, फिर तीन उल्टे एक सीधा, फिर तीन उल्टे, फिर दो का एक, फिर एक जाली, फिर दो उल्टे, फिर एच स्टिच फंदा। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप ऐसे ऐसे इतने फंदों को ही आप इनको रिपीट करते हुए जाइएगा यहाँ तक। आगे फिर ऐसे ही करते जाएंगे कि दो उल्टे, फिर एक जाली, फिर दो का एक, ऐसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने फंदों को सेट कर लेंगे। तो अब हम आएंगे बैक साइड में दूसरी सिलाई पर। ये फंदा हमारा उल्टा ही बनेगा और जो दो फंदे हैं हमारे ये यहाँ से उल्टे थे, ये हरेक सिलाई में, हर सिलाई में दोनों तरफ से उल्टे ही बनते जाएंगे। ये दो फंदे उल्टे, ये जाली वाला फंदा भी उल्टा, और ये दो का एक किया था जो ये दो का एक, इसको भी उल्टा ही बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो ये तीन फंदे थे यहाँ पर, इन तीन फंदों को सीधा बनाएंगे, दो और तीन, ये बीच में एक फंदा यहाँ से सीधा था, बैक साइड से उल्टा बनाएंगे तो एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे फिर सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे और ये फंदे हैं जो दो, ये दोनों साइड से उल्टे बनेंगे, एक जाली का दो का एक, ये पांचों फंदे उल्टे बनते जाएंगे, एक दो तीन चार और पांच। अब आ गए हम सीधी तरफ, पहला फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, जो ये दो फंदे हैं हमारे ये हर बार दोनों साइड से उल्टे ही बनते जाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और जाली का फंदा है जो इसको सीधा बना देंगे। अब जो हमारा ये दो का एक फंदा था, एक फंदा ये सीधा लेंगे, एक उल्टा, इन दो का इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट लेंगे, एक उल्टा एक सीधा, इन दो का एक बना देंगे ऐसे, दो का एक, और ये दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये एक उल्टा एक सीधा जो दो का एक था इनका दो का एक बना देंगे, फिर धागा पीछे ही रहे, जाली का फंदा इसको सीधा बनाएंगे,
फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे उल्टे बना देंगे। ये एज स्टिच फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इसको सीधा बना देंगे ऐसे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारे ये फंदे बन के तैयार हो गए ये सिलाई। अब हम आएंगे बैक साइड में, तो बैक साइड में हमारे फिर ये ही फंदे उल्टे बनेंगे, एक दो तीन, और ये जाली वाला चार, और ये सीधा पांच, और ये दो का एक छह। ये छह फंदे अब हमारे उल्टे बन गए। अब ये दो फंदे हैं जो यहाँ से उल्टे हैं, ये यहाँ से सीधे बनेंगे, बैक साइड से सीधे बनेंगे, सीधी तरफ से उल्टे थे। धागा आगे करेंगे और ये बीच का फंदा फिर सीधा बना, उल्टा बनाएंगे, फिर दो फंदे फिर सीधे बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये दो का एक, एक जाली से बढ़ा एक जाली का, दो वे उल्टे एक एच टी से, सभी फंदे हमारे उल्टे बनते जाएंगे। दो तीन पाँच और ये छः, ये सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब आएंगे हम सीधी साइड में, तो पहला फंदा एच टी से, इसको सीधा बनाएंगे ऐसे ही, फिर धागा आगे करेंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे, दो फंदे उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और जाली का फंदा इसको सीधा बनाएंगे। एक फंदा ये पहले ही सिलाई में बना था, इसको सीधा बनाएंगे। अब ये जो साइड में एक फंदा सीधा है, एक सीधा एक उल्टा, इसी दे फंदे को ऐसे लेंगे और पलट लेंगे और ये दो का एक कर देंगे। एक फंदा हर बार उल्टा लेंगे, एक सीधा सीधी तरफ से, ऐसे दो का एक कर देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जो एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, और ये जो एक दो का एक बनता है और एक ये उल्टा, धागा पीछे करके इन दो का एक कर देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ना धागा पीछे करेंगे सॉरी, और ये फंदे जाली से बड़े हुए हैं, इनको सीधा बना देंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और ये दो फंदे उल्टे, ये सीधी तरफ से भी उल्टे ही बनेंगे और उल्टी तरफ से भी उल्टे ही बनेंगे बैक साइड से। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारे डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया। अब हम आएंगे बैक साइड में, तो ये फंदा एच स्टिच है, ये दो हमारे दोनों साइड से उल्टे बनेंगे, ये हमारा जाली का उल्टा बनेगा, ये हमारा ये जो सीधे फंदे हैं ये इनको यहाँ से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, ये हमारा एक फंदा उल्टा है तो इसको यहाँ से सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये यहाँ से सीधा जो बैक साइड से उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और ये लास्ट के सभी फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बनाते जाएंगे। ऐसे उल्टा बना लेंगे, अब आएंगे हम सीधी तरफ। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान डिजाइन है और बनने के बाद बहुत प्यारा डिजाइन बन के आता है। आप इसको कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, बेबी फ्रॉक में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कीजिएगा, उसी में ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। ये सीधा बनाएंगे, ये जाली से बड़े हुए भी सीधे बनाएंगे और लास्ट का ये एक फंदा सीधा है जो ये, और एक उल्टा, इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और पलट लेंगे और दो का एक कर देंगे ऐसे। दो का एक कर देंगे, फिर ये बीच का सीधा फंदा है इसको ऐसे ही सीधा बना लेंगे और ये एक उल्टा एक सीधा, अब इन दो का एक कर देंगे ऐसे। ये बाकी के फंदे हैं जो इनको जाली से बड़े हुए, इनको सीधा बनाते हुए जाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक और दो, फिर धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा बना लेंगे। फिर आएंगे हम बैक साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारे जो ये बीच में फंदे थे ये सभी फंदे सीधे बन गए और ये फंदे भी हमारे यहाँ से उल्टे हैं, तो यहाँ से ये पूरी सिलाई हमारी अब उल्टी ही बन के तैयार होगी, पूरी सिलाई को उल्टा बना लेंगे।
ऐसे उल्टा बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये पूरी रो उल्टी बन के तैयार हो गई। अब हम आएंगे सीधी साइड में। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला फंदा ऐसे सीधा ही बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे और ये फंदे सीधे बना लेंगे। एक, दो और तीन और चार। अब जो हमारे ये तीन फंदे सीधे बन गए बीच के, इनको ऐसे इन दो फंदों को लेंगे कि बीच का एक साइड वाला, इनको इस सिलाई पे लेंगे और पलट लेंगे। ये पिछले पहले फंदे को बीच में ले आएंगे और बीच वाले को पहले ले आएंगे। इन तीन का एक फंदा ऐसे बना देंगे, तीन का एक। फिर धागा आगे करेंगे, तीन का एक फंदा बना देंगे, सॉरी तीन का एक फंदा बना लेंगे, इस सिलाई पर वापिस ले लेंगे। और इस एक फंदे से अब हम पांच फंदे बनाएंगे ऐसे, एक, धागा दो, ये फंदा तीन, फिर ये चार, एक फंदा फिर बनाएंगे ये पांच। तो हमारे ये एक फंदे थे, पांच फंदे बन गए। अब वापिस यहीं से ही मुड़ लेंगे और ये पांच फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। पांच फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर वापस यहीं से ही मुड़ लेंगे और इनको इस राइट एंड की सिलाई पे इस पे ऐसे उतार लेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। फिर धागा आगे करेंगे ऐसे और ये फंदे हैं जो इस धागे के ऊपर से एक एक करते हुए ऐसे इनको इसके ऊपर से स्लिप कर लेंगे, ऐसे धागे के ऊपर से ऐसे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये पांच फंदे एक से पांच बने थे और ये पांच से एक बना दिया वापस। फिर इन फंदों को सीधा बनाएंगे। ये हमारा यहाँ पर बबल बन के तैयार हो गया। ये फंदे सीधे बनाएंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे। ये जो साइड के फंदे हैं उल्टे जाली के साथ के, ये दोनों तरफ से हमारे उल्टे ही बनते जाएंगे, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी, बैक साइड से। अब आएंगे हम उल्टी बैक साइड में, तो बैक साइड से हमारी पूरी रो उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब आ गए हम सीधी साइड में। ये हमारा पूरा फ्लावर बन के तैयार हो गया, ये हमारा बबल बन गया, दोनों साइड में जाली बन गई। अब फिर हमने जैसे यहाँ से बनाया था वैसे ही अब हम फिर फंदों को एक बार सेट करके दिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो ये फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जैसे हमने ये पहली सिलाई डाली थी वैसे ही अब हम फिर डालेंगे। तो ये दो फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे और फिर दो का एक कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था दो का एक। देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक ये जाली का फंदा, एक साथ वाला, इसका दो का एक बना देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे कि बीच का फंदा सेंटर का इसको सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, तीन। फिर धागा पीछे करेंगे, एक जाली का एक सीधा, इन दो का एक बना देंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, ऐसे घुमाएंगे और दो फंदे उल्टे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही एक बार हमने फंदों को फिर सेट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, बैक साइड से अपनी सिलाई बनाने के बाद
जब हम थर्ड रो में आएंगे तो पहला फंदा ये एच स्टिच है, दो उल्टे एक जाली डलेगी, फिर एक फंदा ये सीधा एक उल्टा, इस दो का एक हो जाएगा। ऐसे ही बनाते हुए हम आगे अपने पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे और ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते हुए जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। थैंक यू।